तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके के AI आर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं जिन्हें आप अपनी इमेजेस में या फिर अपने वीडियोस में इस्तेमाल कर पाएं, तो ये आप कैसे करेंगे? और आपको इसके लिए मिड जर्नी का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे भी मिड जर्नी में एक प्रॉब्लम है, अगर आप मिड जर्नी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप इमेजेस का साइज सेट नहीं कर सकते, जो कि जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आप प्रॉपरली जो भी आर्ट जनरेट करेंगे उसमें आप इमेजेस का साइज सेट कर सकते हैं, इमेजेस पोर्ट्रेट रहेंगी या लैंडस्केप। इसके साथ साथ आप यहां पे ये भी सेटिंग कर पाएंगे एक बार में एक ही सीन के कितने इमेजेस जनरेट होंगे, जो कि मिड जर्नी में पॉसिबल नहीं है। अब मिड जर्नी के साथ एक और भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपने मिड जर्नी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो ऐसे में अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं किसी इमेज के लिए, तो मिड जर्नी में ज़्यादातर आपको यही मैसेज मिलता रहेगा, ड्यू टू एक्सट्रीम नेटवर्क ट्रैफिक वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। यानी आपसे बोलेगा कि आपको अगर इस तरीके के आर्ट जनरेट करने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि वहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है, जब आप कोई रिक्वेस्ट डालते हैं उसी समय पर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाला हुआ होता है, तब आप स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी रिक्वेस्ट को देखते हैं कि आपका कहाँ पे आया है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें 1-to-1 डील होगा, जिसमें आपने जो भी रिक्वेस्ट डाला तुरंत आपको उसी के नीचे आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं करते कैसे हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां से इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, इस वेबसाइट का नाम है Learnado.ai, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप इस पर क्लिक करके आएंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अगला काम आपको लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन टू Learnado AI। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, बस आपको आपकी ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपनी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आप इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। अब आपको करना है साइनअप। अब साइनअप करने के दो तरीके हैं, आप यहाँ से इस फॉर्म को भर के कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूंगा, तो आपको यहां पे जो भी ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी लॉगिन होगी उससे यहां पे हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये Learnado AI ओपन हो चुका है। अब यहां पर आप देखेंगे ऊपर आपको फीचर्ड मॉडल्स दिए हुए हैं जिनका आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, ऐसे अगर आप क्लिक करते जाएंगे तो यहां पर ये प्रीमियम मॉडल्स आपको दिखाई देते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे और भी आपको ढेरों मॉडल्स दिखाई देते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइड में देख लीजिए, कम्युनिटी फीड है जिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो अभी लेटेस्ट जो भी अपडेट किए जा रहे हैं आर्ट्स, वो आपको यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे। जो भी ट्रेंडिंग में है वो आपको यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे। अब इनमें से किसी को भी आपको यूज़ करना है तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट वगैरह जो भी हैं उसके वो भी आ गए हैं। इसके ये रहे प्रॉम्प्ट और ये रहे इसके निगेटिव प्रॉम्प्ट्स। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप यहीं पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से कट करूँगा, कट करके अगर मान लीजिए आपको जनरेट करना है, सिंपल वो भी तरीका है, यहाँ पर जाकर आप जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है AI जनरेशन पे। आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल आ जाएगा। अब मैंने अभी हाल ही में देखे जनरेट की हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। आपको जो भी जनरेट करनी है आप सिंपली यहाँ पर उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और आप जनरेट कर सकते हैं। आप प्रॉम्प्ट लिख लीजिए जो भी आप चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये चाहता हूँ अ रैबिट प्लेइंग इन द फॉरेस्ट, मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के और सर्च करूंगा। जैसे मैं सर्च करूंगा तो सर्च करने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे जो भी आप इमेज यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं उसका एक्चुअल में साइज क्या रहेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1:1 साइज सेट है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद मुझे 16:9 का रेशियो सेट करना है। मान लीजिए 16:9 का रेशियो मैं यूज़ करूँगा YouTube के लिए, तो वो आप यहाँ से सेट करेंगे, ठीक है। अब जो भी इमेजेस जनरेट होंगी वो आपके 16:9 के रेशियो में रहेंगी। इसके अलावा अगर आप ऊपर जाएंगे तो एक बार में आपको कितनी इमेजेस जनरेट करनी है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक बार में 2 चाहिए, एक बार में 3 चाहिए, एक बार में 4 चाहिए। ध्यान रखिए जितनी ज़्यादा इमेजेस जनरेट करेंगे उतने कॉइन्स आपके खर्च होते रहेंगे। एक दिन में आपको 150 कॉइन्स मिलते हैं, जो कि मोर देन इनफ हैं। आप इससे आसानी से अगर चाहेंगे तो 30-40 इमेजेस जनरेट कर पाएंगे। तो इससे आप 3-4 स्टोरीज में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या वीडियोस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सेटिंग करता हूँ, मुझे 2 इमेजेस जनरेट करनी है।
इसके अलावा मैं साइज यहाँ पे कर देता हूँ 16:9 का। बाकी यहाँ पे रेशियो सेट हो गया है, आपको इसमें भी चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। बस इसके बाद आप यहाँ पे आइए, सिंपली अपना प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखना चाहें, ठीक है। अगर आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना भी नहीं आता तो आप यहाँ से जाकर प्रॉम्प्ट जनरेशन के लिए भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी अपना ओपन कर लेता हूँ और मुझे कुछ भी जैसे अ स्मॉल बॉय वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, मुझे इसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट कराने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेज अबाउट अ स्मॉल बॉय वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। इसके लिए मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट लिखवा लेता हूँ जनरेट की, मैं यहाँ से स्पेलिंग कर लेता हूँ करेक्ट और यहाँ से सेंड करूंगा। जैसे मैं इसको सेंड करूंगा थोड़ा सा आप वेट करेंगे इसके प्रॉम्प्ट आपके सामने यहाँ पे दिखाई देने लगे। अब मैं इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी करके और मैं अपने लर्नाडो एआई पे जाऊंगा और यहाँ पे प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन पे मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद सेम चीज़ बाकी के सेटिंग मैंने कर ली है, अब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा। जनरेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जनरेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे दिस विल यूज 4 टोकन्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप करते हैं तो मैं इमेज जनरेशन सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे इमेजेस जनरेट होनी शुरू हो गई हैं और आपने देखा यहाँ पे 4 इमेजेस जनरेट हो गई हैं। आपको जितनी भी चाहिए उतने जनरेट कर सकते हैं, मेरे केस मैंने यहाँ पर 4 इमेजेस जनरेट कर ली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सेट किया था ऊपर से जाके देख लीजिए जितने भी हम सेट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आ गई। अब आपको जो भी इमेज चाहिए आप उस पर क्लिक करें और क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसको डाउनलोड करने के लिए यानी इन 4 इमेजेस को जनरेट करने के लिए इसने 4 टोकन यूज़ किए हैं, तो 4 टोकन यूज़ कर रहा है 4 इमेजेस जनरेट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहेंगे तो आप आसानी से, चूँकि 150 कॉइन्स आपको पर डे मिलते हैं, आप आसानी से चाहेंगे तो 60-70 इमेजेस ईजिली जनरेट कर पाएंगे पर डे। अब यहाँ पर आप जैसे फिर से सेम चीज़ है, अगर आप फिर से करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आप लर्नाडो एआई का इस्तेमाल करते हुए कैसे एआई इमेजेस जनरेट करेंगे और कैसे उन्हें आप अपनी स्टोरीज में यूज़ कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।